नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अमेठी की इस खबर के साथ, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने दो दिवसीय दौरे पर हैं। आज अमेठी पहुंची हैं स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी, साथ ही ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन करेंगी। इसके अलावा वो कई नेताओं से मुलाकात भी करेंगी। तो स्मृति ईरानी का क्या कुछ कार्यक्रम है, आपको बता दें कि आज सुबह 9 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी। इसके बाद सुबह 11 बजे पूर्व बीजेपी विधायक तेजभान सिंह के अचलपुर आवास जाकर शोक संवेदना व्यक्त की है उन्होंने। सुबह 11:40 बजे बता दें आपको कि जामो के अलीपुर स्थित बीजेपी नेता राजीव शुक्ला के घर जाकर उनके माता जी के निधन पर शोक संवेदना उन्होंने व्यक्त की। दोपहर 12:20 पर लेकर उन्होंने 1:20 तक जगदीशपुर स्थित ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया और कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। दोपहर 2:20 से 3:20 तक अमेठी के बेनीपुर गांव में विभिन्न योजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। इसके साथ ही शाम 4 बजे ACC सीमेंट फैक्ट्री में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। शाम 4:25 पर गौरीगंज जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण और टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगी। शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गए गाँव सुजानपुर में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगी। तो ये पूरा कार्यक्रम स्मृति ईरानी जी का जो आज पहुंची हैं। हरदोई शहर कोतवाली क्षेत्र के मुन्नापुरवा निवासी शिव कुमार कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। शिव कुमार की मांग है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात कराई जाए, नहीं तो जब तक वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल कांग्रेस के ये नेता गांधी परिवार को सियासी ज्ञान देना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि कांग्रेस गलत रास्ते पर चल पड़ी है। शिवकुमार बताते हैं कि 18 अगस्त को उन्होंने ज्ञापन दिया था, जिसमें आज तक अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी नई दिल्ली से कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है और पार्टी के भविष्य को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से वार्ता करनी है। शिवकुमार का कहना है कि सारी जिंदगी कांग्रेस में समय बिताया, कभी किसी दूसरी पार्टी का उन्होंने रुख नहीं किया, लेकिन अफसोस होता है कि जब चुनाव आते हैं तो उन्हें अपनी ही पार्टी से शर्मिंदा होना पड़ता है और पार्टी के टिकट ना देने पर निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता है। कांग्रेस के टिकट ना देने पर भी उन्होंने किसी दूसरी पार्टी का रुख नहीं किया है, ऐसा शिवकुमार का कहना है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता हैं शिवकुमार, जो कि हरदोई से हैं और अब वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मैं शिव कुमार कवि हूँ, मन्नापुरम रहता हूँ। आज़ादी के बाद 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो ठाकुर महेश सिंह निवासी रारा विधायक जीते, मेरे पिता उनके अगुआ थे। उसके बाद कमला देवी विधायिका रहीं, वो भी साथ में रहते थे। नारायण दत्त तिवारी मेरे पिता के बहुत खास खास थे और कमला त्रिपाठी 1963 में मेरे कारखाने पर आए थे, उसकी फ़ोटो मेरे पास है। और मैं लखनऊ जाता हूँ, 1967 में इंदिरा गांधी मेरे आए थे वहाँ KTS में, तो मेरे खेत गन्ना गया था। राजीव गांधी लखनऊ से हरदोई कार पर आए, मेरे पिता ने गांव उतार कर उन जनता को दर्शन कराए। वही मथुरा के महावन तहसील की ग्राम पंचायत नेरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्राम प्रधान ने वैक्सीन कैंप लगाने की मांग की, तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलदेव के प्रभारी सोनू चतुर्वेदी ने 4 लोगों की टीम बनाकर गांव नेरा के लिए रवाना कर दिया है। शुक्रवार को सुबह प्राथमिक विद्यालय नेरा पर 400 वैक्सीन लेकर पहुंचे हैं। CHC प्रभारी ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय नेरा पर टीम ने 400 वैक्सीन में से 70 वैक्सीनें लगाई थी, जिसे लेकर गांव के अराजक तत्व के लोगों ने आकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव के लोगों ने बंधक बना लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बलदेव पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर अराजक तत्व के लोग फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई करने में जुटी है। तो यह मथुरा का पूरा मामला है, जहां पर वैक्सीन को लेकर अराजक तत्वों ने हंगामा काटा और स्वास्थ्य की टीम को बंधक बना लिया था। देखिए, 3 दिन पहले जो नीरा के जो ग्राम प्रधान हैं उनके द्वारा पर्सनल रिक्वेस्ट की गई थी कि एक मेगा कैंप हमें दे दिया जाए, जिससे कि हमारी जो ग्राम पंचायत है उसको हम कवर कर सकें। तो उसी के क्रम में हमारे द्वारा एक 4 सदस्यीय दल को घोषित करके टीम को कोविड वैक्सीनेशन के लिए प्राइमरी विद्यालय पर लगाया गया था।
लेकिन चूंकि वहाँ पर ग्रामीण कुछ ऐसे अभद्र व्यवहार और उपद्रव को उतारू हो गए, उन्होंने हमारी टीम के साथ मारपीट करने की कोशिश की, टीम को प्राइमरी विद्यालय में बंद कर दिया। तो इसके क्रम में फिर मेरी जो है SHO साहब से बात हुई और हमने वहाँ पर एक गाड़ी भेजी, टीम को निकाला। और लेकिन मजबूरी में चूँकि हमारी टीम काफ़ी डर गई थी तो कैंप को मैं कैंसिल करना पड़ गया। अब आगे भविष्य में प्रधान जी के साथ सहयोग करके फिर से कैंप लगवाने की कोशिश करेंगे। पीलीभीत में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जिसमें 48 साल की महिला की मौत हो गई है। बता दें कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय महिला अपने खेत में चारा काटने गई थी, जिसके बाद बारिश से बचने के लिए वो पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, जिस पर आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला आपको बता दें कि कोतवाली बीसलपुर इलाके के चौरस हरदोपट्टी गाँव का है। तो आकाशीय बिजली का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। पीलीभीत की ये तस्वीरें हैं जहां पर महिला चारा काटने के लिए खेत में गई थी, लेकिन बारिश तेज होने के कारण वो पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। जब वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी और आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। तो पीलीभीत से सीधी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर चारा काटने गई महिला की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है। मेरठ के थाना खरखौदा क्षेत्र के ग्राम बिजौली में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब योगेंद्र शर्मा नाम के शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस मृतक को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस अब जांच पड़ताल में लगी हुई है। परिजनों का कहना है कि युवक की किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं थी। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मेरठ की ये तस्वीरें जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। आपको बता दें कि मेरठ का पूरा मामला है जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जिसके बाद परिजनों का कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई रंजिश नहीं थी और जलकर मौत होने की बात की जा रही है। मैं खेत पर गया और फ़ोन आया जंगल से कि तेरे भैया आग लगा दी किसी ने, और भैया ने ये बताया कि सुबह 3 बजे मिट्टी का तेल लगा के मेरे में आग लगा दी थी। और वो कह रहा मैं जो पता नहीं कौन है मगर आग लगाई हुई थी मिट्टी का तेल लगा के उसके ऊपर। और इतना सीधा भैया है, मतलब बहुत सुधर है, तो मतलब किसी से किसी की कोई लड़ाई नहीं, कोई जान नहीं पहचान नहीं। वहीं गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र में आजकल महिलाओं पर वार करने वाला सिरफिरा घूम रहा है, जो कि लगातार महिलाओं को निशाना बना रहा है। वह मौका पाते ही घर में घुसता है और महिला के चेहरे पर चाकू से वार करता है और मौके से फरार हो जाता है। बता दें कि गाजियाबाद के लिंक रोड इलाके के महाराजपुर में 14 घंटे के भीतर 2 महिलाओं पर चाकू से हमला किया गया है। दोनों महिलाएं उपचार के बाद घर आ चुकी हैं। पुलिस का कहना है कि कोई सड़कों पर इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा है। मामले में आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। CCTV से पुलिस आगे की सुराग लगाने में जुट गई है। तो महिलाओं पर वार करने वाले सिरफिरे से महिलाएं परेशान हैं। आपको बता दें गाजियाबाद का यह पूरा मामला है जहां पर पुलिस का कहना है कि कोई है जो महिलाओं पर इस तरीके से वार कर रहा है, उन पर प्रहार कर रहा है, और अब पुलिस CCTV की मदद से आरोपी को पकड़ने में जुट गई है। वहीं मेरठ SSP दफ्तर पर पहुंची एक महिला ने एक राजनीतिक पार्टी के PSO पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने शिकायती पत्र दिया है SP दफ्तर में और उन्होंने कहा है कि उनकी सूरज चौधरी नाम की यूपी पुलिस के सिपाही ने पहले तो उनके साथ बातचीत शुरू की, लेकिन जब उनके परिजनों ने सूरज को डांट दिया तो अब
महिला ने आरोप लगाया है कि सूरज इसको लेकर उसके प्रतापपुर इलाके स्थित गांव से उठाकर ले गया और गांव में यह प्रचारित करा दिया गया कि लड़की भाग गई है। महिला ने आरोप लगाया कि सूरज ने उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए, लेकिन इस मामले में लखनऊ SSP से शिकायत की गई, जहां SSP लखनऊ के आदेशों पर सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। महिला ने दावा किया है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद सूरज और उसके परिवार वालों ने नौकरी जाने के डर से और जेल जाने के डर से महिला से शादी कर ली। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही सूरज उसे जान से मारने की धमकी देता है और सामाजिक तरीके से शादी कर दहेज में रुपया पैसा लेने की बात करता है और परिवार को भी जान से मारने की धमकी देता है। तो शिकायत लेकर SSP दफ्तर पहुंची महिला, उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी के PSO पर आरोप लगाया है और बताया है कि किस तरीके से वो शादी का दबाव बनाता है, पैसा लेने की बात करता है और लगातार उसको प्रताड़ित कर रहा है। तो मेरठ के SSP दफ्तर पहुंची हैं महिलाएं, इन्होंने बताया है कि किस तरीके से एक राजनीतिक पार्टी का PSO उनको प्रताड़ित कर रहा है और इस एवज उन्होंने शिकायत भी की है। ये है कि मेरे हस्बैंड पहले तो मुझे उठा कर ले आए, मतलब पहले तो हम बात करते थे, मेरे मम्मी पापा ने उसे सुना दिया, डांट दिया, इधर मैं देखा उधर देख, डांट दिया, तो फिर वो मुझे मतलब उसी उसमें चिड़न में जलन में मुझे उसका भाई दीपक और वो उठा कर ले गए। उसके बाद मेरे गांव में पंचायत करवा दी कि तुम्हारी लड़की भाग गई, फिर उसके बाद पंचायत करवा दी कि तुम्हारी लड़की भाग गई, फिर मेरे साथ प्राकृतिक संबंध बनाए, फिर मुझे छोड़ दिया। उसके बाद मैं गांव में भी नहीं आ पाई, जब मुझे पता चला कि ऐसे प्रार्थना पत्र दिया, फिर मैंने फिर कार्रवाई के डर से लखनऊ SSP ऑफिस में प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने 376 लगाई, तो उस डर से उसने जो अपना चली जावे, नौकरी ना छूट जावे, जेल ना चला जावे, उसके घर वालों ने सबने मिल के मेरी शिव मंदिर में शादी करवा दी, फिर मुझे अपने घर ले गए। जब से ही मेरे साथ मार पिटाई करना, मेरे से बोल रहे हैं कि सामाजिक शादी करो, 10 लाख रुपए लाओ, उसके बाद रखेंगे ना तो रखे ना है। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? सूरज चौधरी। किस में है ये? यूपी पुलिस में। स्वतंत्र देव के PSO है। मुझे उसकी धमकी दे रहे हैं कि तेरा पता भी ना चलने का, तू कहाँ गई, के हो गया, और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि इतनी गोली चलाऊंगा तेरे खानदान को खत्म कर दूंगा, तुझे मार दूंगा। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक ट्रक ने खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रक का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया और चालक और परिचालक घायल हो गए। ट्रक केबिन में फंस गए वो लोग। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और मौजूद लोगों ने कड़ी जद्दोजहद के बाद ट्रक के केबिन को काट काट कर दोनों घायलों को बाहर निकाला और आनन फानन में नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया है, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। तो ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां ट्रक ने एक खड़े ट्रक में टक्कर मार दी, जिसकी वजह से कैबिन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और इस दरमियान वहां पर चालक और परिचालक अंदर फंस गए, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि वहां मौके पर पहुंची पुलिस और लोगों ने किसी तरह से कैबिन को काट कर चालक और परिचालक को बाहर निकाला, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल का यह पूरा मामला, जहां पर तेज रफ्तार के चलते एक्सीडेंट हुआ है और ट्रक ने एक दूसरे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। गोरखपुर में महिलाओं के साथ आए दिन दुष्कर्म और छेड़खानी की घटनाओं को लेकर पुलिस विभाग पूरी तरह से सतर्क है। शुक्रवार को एंटी रोमियो अभियान चलाया गया। इस दौरान एंटी रोमियो की टीम ने रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के चिड़ियाघर और इसके पास के कई इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया और कई स्थानों के आसपास छापेमारी कर अनावश्यक रूप से घूम रहे मंचलों की खातिरदारी भी की है, जहां पर चिड़ियाघर के पीछे कई स्कूलों के छात्र छात्राएं गलत हरकत करते हुए पकड़े गए एवं एंटी रोमियो प्रभारी उप निरीक्षक धर्मेंद्र जैन ने छात्र छात्राओं से पूछताछ करके और इनकी गाड़ियों का चालान भी किया गया है और इन्हें कड़ी हिदायत देते हुए इन लोगों को सकुशल छोड़ दिया गया है। तो गोरखपुर की ये तस्वीरें, जहां पर एंटी रोमियो अभियान चलाया गया और इस अभियान को चलाने के बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद इन युवकों को, इन छात्र छात्राओं को
छोड़ दिया गया है। मथुरा थाना कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश के साथ मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में लगी गोली के चलते घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताते चलें कि मथुरा में सबसे बड़े लूटकांड का पुलिस पहले ही खुलासा कर चुकी है, जिसमें 7 लोगों को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, परंतु मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर है। पुलिस के अथक प्रयास के साथ मुठभेड़ में मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और बदमाशों के बीच बीती रात हुई मुठभेड़, मुख्य आरोपी सहित 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। तो लूटकांड का ये पूरा मामला था, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि लूटकांड का ये पूरा मामला था, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मथुरा से ये पूरी तस्वीरें सीधे आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, और 1 लाख का इनामी बदमाश उसको अब मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। उसी में एक सूचना प्राप्त थाना कोतवाली पर प्राप्त हुई थी कि जो विगत दिनों 16 अगस्त को यहां पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा की नकदी की लूट की घटना हुई थी, उसके संबंधित जो मुख्य आरोपी है अपने साथियों के साथ आज यहां से मूवमेंट कर रहा है। उसी के सूचना के ऊपर माल गोदाम रोड पर पुलिस पार्टी गश्त कर रही थी। अपराधियों की सूचना पाते ही उनके द्वारा अपराधियों को वार्न किया गया, इसके जवाब में अपराधियों द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां अगली खबर काशीपुर से है, जहां अवैध खनन का कारोबार तेजी से चल रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, ओवरलोड वाहन सड़कों पर दानवों की तरह दौड़ रहे हैं, लेकिन रात के अंधेरे में चलने वाला ये खेल बिना मिलीभगत के नहीं, बल्कि खाकी और प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है। कहीं वन विभाग के सुस्त कर्मचारियों की लापरवाही, तो कहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों की अनदेखी, तो कहीं खनन विभाग से सांठगांठ कर सड़कों पर पुलिस की हमजोली बनकर ये माफिया अवैध खनन का जंगल राज चला रहे हैं। यह उसी प्रदेश का हाल है जहां सरकार का जीरो टॉलरेंस का नारा है, और जीरो टॉलरेंस की सरकार में कानून व्यवस्था के पालनहार नियमों को ताक पर रखकर अवैध उगाही में जुटे हैं, लेकिन कार्यवाही के नाम पर उच्च अधिकारी महज खानापूर्ति ही करते नजर आते हैं। तो काशीपुर से तस्वीरें हैं, जहां पर अवैध खनन का जो कारोबार है वो तेजी से फल फूल रहा है, और ये जो सड़कों पर जिस तरीके से ये ट्रक बेलगाम दौड़े नजर आ रहे हैं, तो इसमें आशंका जताई जा रही है कि खाकी का भी इसमें रोल हो सकता है। तो परिवहन विभाग के अधिकारियों की ये पूरी लापरवाही की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर अवैध खनन का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है और कानून व्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से अवैध खनन के बाद ट्रक सड़कों पर बेलगाम दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, किसी का डर नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नजर नहीं आती। और इसी की तस्वीरें जहां पर अवैध खनन कर माफिया इतने ताकतवर नजर आ रहे हैं कि सड़कों पर खुलेआम अवैध खनन करने के बाद ट्रकों को दौड़ाया जा रहा है, और प्रशासन सुस्त नींद में सो रहा है। औरैया में आबकारी विभाग अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बता दें, आबकारी विभाग लगातार अवैध शराब की भट्टियों पर छापेमारी कर रहा है। इसी क्रम में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के अड्डे पर छापेमारी कर मौके से 35 लीटर अवैध शराब व 300 किलोग्राम लहन भी बरामद किया है। मामले में बरामद लहन को नष्ट कर दिया गया है और पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह कार्यवाही आबकारी निरीक्षक पदम प्रकाश व विनोद कुमार की संयुक्त टीम ने किया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के पछैया बस्ती में ये पूरी छापेमार कार्यवाही की गई है। तो औरैया से ये तस्वीरें हैं, जहां पर आबकारी विभाग अब अलर्ट मोड में नजर आ रहा है, और इस बीच ये छापेमार कार्रवाई की गई जहां पर 35 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। आपको बता दें कि आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने ये संयुक्त रूप से पूरी कार्रवाई की है, जहां पर अवैध शराब पर छापेमारी करने के बाद उसको नष्ट किया गया है। बता दें कि जो संख्या है वो 35 लीटर बताई जा रही है। 35 लीटर अवैध शराब छापेमारी के दौरान बरामद की गई और उसको बाद में नष्ट कर दिया गया है। अवैध
शराब बरामद की है आबकारी टीम और पुलिस विभाग की टीम की संयुक्त जोड़ी ने। गोरखपुर में राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर गांव से लेकर शहर तक के लोगों में दहशत का माहौल है। बता दें नौसड़ चौकी के पास गोरखपुर लखनऊ और गोरखपुर वाराणसी मार्ग पर सन 1998 में दो जगह पानी ओवरफ्लो होकर रोड पर बहने लगा था, जिससे धीरे धीरे इस जगह पर लगभग 100 फीट गहरा गड्ढा हो गया था, जिससे आम जनमानस को काफी नुकसान हुआ था। पर इस बार जिला प्रशासन नौसड़ बंधे को लेकर काफी सक्रिय है। यहां कई स्थानों पर मिट्टी डालने, मिट्टी भरी बोरियों को एडवांस में भरकर रखने का काम किया गया है, साथ ही आपात स्थिति के लिए अतिरिक्त मिट्टी का इंतजाम भी कर लिया गया है। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा रात में बंधे की सुरक्षा के लिए नौसड़ चौकी से महिंद्रा एजेंसी तक बंधे पर लाइट की व्यवस्था भी की गई है। बता दें कि गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में जहां बाढ़ की वजह से पानी है, तो वहीं शहर के अंदर बरसात का पानी जमा हो गया है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। गोरखपुर की तस्वीरें हैं जहां पर अब बंधे की सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। रात में बंधे की सुरक्षा के लिए लाइट लगाई गई है। आपको बता दें 1998 में इन बांधों की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से व्यवस्थाओं में कुछ कमी देखने को मिली थी, जिसके चलते आम जनजीवन जो था वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा था। जहां ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां पर बाढ़ की वजह से पानी भर गया है, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में बारिश के चलते पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। श्रावस्ती में बौद्ध परिपथ पर उस वक्त एक भीषण सड़क हादसा घटा जब एक टेम्पो ईंट लदी खड़ी ट्रॉली से जा टकराया। वहीं टक्कर के बाद टेम्पो सड़क पर जा पलटा और बलरामपुर की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया। हादसे में टेम्पो में सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को CHC इकोना में भर्ती करा दिया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक टेम्पो सवार सभी लोग बलरामपुर के उतरौला के निवासी हैं, जो कि हादसे के वक्त बहराइच दरगाह से वापस घर लौट रहे थे। श्रावस्ती मॉडर्न थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के पास की ये पूरी घटना है, जहां पर टेम्पो ट्रक से जा टकराया, जिसके चलते 5 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टेम्पो टकरा गया, जिसके बाद 5 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये उतरौला का एक परिवार है, जो ये दरगाह शरीफ गए थे बहराइच में, वहाँ से आ रहे थे टेम्पो से, और बीच में इनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, 3 लोग ड्राइवर से जिनका उपचार कराया गया। सर कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं? ये इसमें 2 महिलाएं घायल हैं, 1 ड्राइवर घायल है, और जिनकी मृत्यु हुई है उसमें 4 महिलाएं और 1 पुरुष। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।